नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं चुनावी समर पर सबसे बड़ा आर पार। और ये जनता जनार्दन आप लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर, तो जोरदार तालियों से जनता का अभिनंदन करते हैं। 2024, जी हां, 2024 से पहले सियासत में सबसे बड़ा युद्ध बहुत कुछ ही दिनों में अब लड़ा जाना है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली हुई है। पीएम मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, विकास के कामों की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल टाल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ी है, कांग्रेस थोड़ा धीरे चल रही है। और इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कांग्रेस को नई ऊर्जा देने के लिए 80 साल के खड़गे साहब मैदान में कूद पड़े हैं। इसके क्या मायने होंगे राजनीतिक समर में? ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट करा है, यानी जिस पे गांधी पर बात भी ना आए लेकिन उसकी बात भी हो जाए। इसके क्या मायने होंगे आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही अरविंद केजरीवाल को भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं, राहुल गांधी में कांग्रेस पार्टी को प्रभु राम दिख रहे हैं। मुझे तो 96 और 99 की 13 दिन और 13 महीने की अटल जी की सरकार का वो दौर याद आता है, जब इन सरकारों को गिरा दिया गया था और तब कहा गया था ये राम के नाम पर आए हैं, राम के नाम पर चले जाएंगे, ये राम का नाम लेते हैं, ये सांप्रदायिक है। लेकिन शायद 2022 के अंदर सबको राम और भगवान राम और कृष्ण की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि सियासत का ये सनातन युग भी माना जाता है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। गुजरात और हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव से पहले चौतरफा सियासी युद्ध छिड़ गया है। वर्तमान से लेकर इतिहास के मुद्दे उठ रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इतिहास का पिटारा खोलते हुए कश्मीर पर पंडित नेहरू की कई गलतियों का दावा किया। नेहरू की पहली भूल, नेहरू ने कश्मीर के विलय को लटकाया। नेहरू की दूसरी भूल, कश्मीर विलय को अंतरिम करार दिया। नेहरू की तीसरी भूल, कश्मीर का मसला 1948 में यूनाइटेड नेशन में ले गए। नेहरू की चौथी भूल, धारा 370 बनाना और उसे लागू करना। नेहरू की पांचवी भूल, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह के विरोध को छिपाया। सच तो सच है, सच को छुपाए नहीं जा सकते। इतिहास हम अपने हाथों से हम बदल नहीं सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। दूसरी तरफ नए कप्तान मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस भी चुनावी जोर लगा रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व का दांव चलते हुए भारतीय नोट पर श्री लक्ष्मी गणेश की तस्वीर का दांव चल दिया। तो उधर मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल ने गीता के ज्ञान को जिहाद जैसा बता दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया। अब वो बराबर है, वो गलत थोड़ा ही है, मगर वो गीता जो श्री कृष्ण ने बताया है, उन्होंने क्या बताया है गीता के अंदर कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ाई करने के भी, मरने के भी और मारने के भी। आप लड़ाई और जिहाद को एक बराबर रखते हैं? ये श्री कृष्ण ने अर्जुन वो उसको आप जिहाद बोलेंगे तो आपका वो मतलब है वो। लेकिन सियासी युद्ध के बीच चुनावी सर्वे में किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। चुनावी समर पर आर पार।